हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला ग्लोबल T20 कनाडा लीग के सीजन 2 के सबसे पहले मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा टोरंटो नेशनल वर्सेस वैंकूवर नाइट्स के बीच में 25 तारीख को रात के 10 बजे से ब्रैम्पटन के CAA स्टेडियम के अंदर, और इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले मैं आगे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं, तो इस बार से कनाडा लीग के अंदर ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल होने वाला है। पिछले बार पिच बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी कनाडा को, तो इस बार से ड्रॉप इन पिचेस यूज होने वाली है इस टूर्नामेंट के अंदर। ड्रॉप इन पिचेस स्टार्टिंग में काफी स्लो बिहेव करती है, तो आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करना चाहोगे, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस का बिहेवियर हम पहले से पता नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं आगे वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, तो कनाडा में एकदम समर का मौसम चल रहा है, तो बारिश की कोई भी चांसेस नहीं है, धूप खिली रहेगी और हमको पूरा 20-20 ओवर का मौका देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर। सबसे पहले मैं दोनों टीमों के बैटिंग के बारे में बात करता हूं, तो बात करते हैं टोरंटो नेशनल्स की टीम के बारे में। तो इनके सबसे मेन प्लेयर होने वाले युवराज सिंह। जी हां, युवराज सिंह इस टूर्नामेंट में टोरंटो का पार्ट होने वाले हैं और वो पहली बार इस टूर्नामेंट का पार्ट होने वाले हैं। सब जानते हैं कि युवराज सिंह किस कैलिबर के प्लेयर हैं। अगले प्लेयर आते हैं ब्रैंडन मैकलम, जो कि इस टीम के कप्तान भी होंगे। ब्रैंडन मैकलम एक काफी फैन फेवरेट प्लेयर है, हालांकि काफी लीगों से वो रिटायरमेंट ले चुके, पर इस लीग के अंदर वो खेलेंगे। और ब्रैंडन मैकलम युवराज सिंह को साथ खेलने देखना बहुत बड़ा मस्त मौका होने वाला है। अगले प्लेयर आते हैं हेनरिक क्लासन, जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन है, काफी अच्छे डिसेंट से बैट्समैन है, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर भी खेल सकते हैं और मिडल ऑर्डर भी खेल सकते हैं। अगले प्लेयर आते हैं, पर काफी वहां के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, ओपनिंग करते हैं वो इनिंग्स की, काफी तेज भी खेल सकते हैं, उनको काउंटी से भी काफी बार आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं वैंकूवर नाइट्स के बैट्समैन के बारे में, तो उनके मेन बैट्समैन होंगे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। जी हां, क्रिस गेल इंडिया वाली सीरीज से T20 सीरीज इसलिए मिस कर रहे हैं ताकि वो कनाडा में खेल पाए, और उनके आने से हर T20 लीग जबरदस्त हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं। अगले प्लेयर होने वाले हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट भली ले लिया हो, पर इस टूर्नामेंट के अंदर वो पार्ट होंगे वैंकूवर नाइट्स का और काफी बड़े पार्ट हो सकते हैं वो टीम का। अगले प्लेयर है रेसी वेंडर डसन, साउथ अफ्रीका के। रेसी वेंडर डसन एक बहुत ही शानदार प्लेयर है। साउथ अफ्रीका की टीम भली इस बार वर्ल्ड कप में अच्छा ना खेली हो, पर रेसी वेंडर डसन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, तो उनके आने से भी टीम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगले प्लेयर जो टीम में आते हैं वो हैं पाकिस्तान के आसिफ अली। आसिफ अली एक काफी तेज खेलने वाले प्लेयर हैं, अभी इंग्लैंड वाली वनडे सीरीज में उन्होंने दिखाया था कि वो किस कैलिबर के प्लेयर थे, उनके आने से भी टीम काफी स्ट्रांग होती है। और आखिरी बैट्समैन जो मेन है वो है चैडविक वॉल्टन। चैडविक वॉल्टन आते हैं वेस्ट इंडीज से, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और एक काफी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अगर गेल और वॉल्टन साथ में ओपनिंग करते हैं तो देखने में बहुत ही मजा आने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग है दोनों ही टीमों के बारे में। तो अगर मैं दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग के बारे में बात करता हूं, तो टोरंटो की टीम के मेन फास्ट बॉलर होने वाले मिचेल मैकलेनगन। मिचेल मैकलेनगन ऑल ओवर द वर्ल्ड T20 लीग खेलते हैं, T20 के ना IPL में वो मुंबई इंडियंस का पार्ट है, काफी अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और उनको साथ देंगे इंडिया के मनप्रीत सिंह गोनी। यहां आपको याद होंगे मनप्रीत गोनी एक टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट थे, फिर वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी खेले, हालांकि अब वो पंजाब के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, तो उनको भी काफी अच्छा मौका मिला है। तो मैकलेनगन और मनप्रीत गोनी संभालेंगे टोरंटो नेशनल्स का फास्ट लाइनअप। वहीं अगर मैं बात करता हूं वैंकूवर नाइट्स के फास्ट बॉलिंग के लाइनअप के बारे में, तो इनके मेन में होने वाले टिम साउदी। न्यूजीलैंड की टिम साउदी को वर्ल्ड कप में तक खेलने का मौका नहीं मिला था, एक मैच खेले थे, पर वो अपने एक्सपीरियंस का पूरा पारा फायदा उठाना चाहेंगे इस मैच के अंदर, और बहुत अच्छे एडिशन है। और अगले मेन फास्ट बॉलर टीम के जो है अली खान। अली खान एक काफी शानदार यूएसए के बॉलर है, वो खेलते हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर ट्रिनबागो नाइट राइडर से, और बहुत ही शानदार विकेट टेकर है, और वो आपको जरूर से अच्छा खेल के दे सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर भी। अगर मैं दोनों टीमों की स्पिन बॉलिंग के बारे में बात करता, तो टोरंटो के मेन स्पिनर है संदीप लम्बी छने। जी हाँ, नेपाल के संदीप लम्बी छने बहुत बड़ा पार्ट होने वाले हैं इस बार टीम का, बहुत ही शानदार प्लेयर है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो T20 लीग्स में खेलते हैं, IPL भी बहुत शानदार खेल लेते हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद होने वाली है। अगले पार्ट होने वाले क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन एक ऑस्ट्रेलिया के हैं बॉलर, बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, सिडनी थंडर से खेलते हैं बिग बैश के अंदर, थोड़ी वो बैटिंग भी कर सकते हैं, पर एक काफी अच्छे स्पिन बॉलर क्रिस ग्रीन और एक बहुत बड़े विकेट टेकर भी हैं। वहीं अगर मैं वैंकूवर नाइट्स की स्पिन बॉलिंग के बारे में बात करता हूं, यहां आते माइकल रिपो, जो कि उनके मेन प्लेयर होने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के लाइफ टर्म चाइना मैन है। जी हां, एक चाइना मैन बॉलर है, और चाइना मैन बॉलर कितने खतरनाक होते हैं उनको पता है, तो वो एक काफी मिस्ट्री बॉलर हो सकते हैं वैंकूवर के लिए, और वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं।
अगर मैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूं तो टोरंटो के मेन ऑलराउंडर हैं कायरन पोलार्ड, हालांकि इस मैच के लिए वो शामिल नहीं होने वाले हैं, वो इंडिया वाले T20 लीग का पार्ट है वेस्ट इंडीज का, उसके बाद वो आएंगे, पर कायरन पोलार्ड के आने से काफी स्ट्रांग हो जाती है टीम। और अगले प्लेयर जो आते हैं वो है कैलम मैकलॉयड। कैलम मैकलॉयड एक स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर हैं, काफी शानदार हार्ड हिटिंग करते हैं, राइट आर्म पेस बॉलर भी हैं, तो उनके आने से भी टीम को काफी ज्यादा फायदा होता है। ऑलराउंड के बारे में बात करूं मैं वैंक्यूवर नाइट्स के, तो उनके मेन ऑलराउंडर एंड्रे रसेल, पर एंड्रे रसेल भी इस मैच का भली पार्ट ना हो, इंडिया वाली सीरीज के बाद आएंगे वो, पर एक शानदार बैट्समैन और बॉलर, हम सब जानते हैं आईपीएल में कैसा खेलते थे, 170 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी, बॉलिंग बहुत शानदार करते हैं। अगले ऑलराउंडर आते हैं डेनियल सैम्स। डेनियल सैम्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, एक लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी काफी अच्छी है, तो डेनियल सैम्स के आने से भी काफी स्ट्रांग मिलता है टीम को, और एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर डेनियल सैम्स भी। और तीसरे उनके ऑलराउंडर है एंडाइल फिलिकवायो। एंडाइल फिलिकवायो एक बहुत शानदार ऑलराउंडर साउथ अफ्रीका से आते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो ऑलराउंडर काफी अच्छे हैं वैंक्यूवर नाइट्स के पास में। तो ये थे टीमों के बैट्समैन, बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, और आपको मिल जाते हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट ड्रीम इलेवन टीम वाली वाली स्क्रीन के ऊपर। आप मुझे ऊपर पोले बताना वो क्या लगता है ये मैच कौन जीतने वाला है, बहुत ही शानदार हो सकता है ये पहला मैच ग्लोबल T20 लीग का। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना दिला को सारे वीडियोस देखने के लिए, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ग्लोबल T20 लीग के हर मैच का प्रीव्यू मिलेगा स्पोर्ट्स कॉप के ऊपर, तो बनी रहिएगा चैनल के ऊपर। हमारे वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।